जय श्री राम। भाई साहब, इन्वर्टर तो सभी घरों में होगी, लेकिन उसमें विभिन्न विभिन्न टाइप के प्रॉब्लम आते रहते हैं। जैसे मैं मतलब आज हम आपको पूरी इन्वर्टर के विश्लेषण के बारे में बताऊंगा कि जैसे आपको कोई भी इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आसानी से फॉल्ट को दूर कर सकते हो। जैसे हालांकि हमारे पास ये जो इन्वर्टर आई है, एक खास रीज़न जो कि आप लोग शायद तर नहीं सुने होंगे, ऐसे प्रॉब्लम से आई है। जो कि मैंने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो मैं खुद ही कंफ्यूज था कि ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं क्या। तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम आपको भी बताई जाए, ताकि मैं इन्वर्टर की बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारे इन्वर्टर हमारे पास स्टॉक में अभी पड़े हुए हैं। जैसे हम समथिंग में बात करूँ तो अभी हमारे शॉप पे समथिंग 15 से 16 इन्वर्टर अभी हमारे पास अवेलेबल पड़े हैं, जो कि हमारे आजू बाजू में पड़े हैं। तो मैंने आज एक इन्वर्टर का प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व किया, उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आई हुई थी। चार्जिंग की प्रॉब्लम ये था उसमें कि जैसे ही सप्लाई उसमें दी जा रही थी तो इन्वर्टिंग जल रहा था उतना टाइम सही है, लेकिन जैसे ही उसमें सप्लाई इनपुट दे रही थी यानी कि चार्जिंग के लिए, तो उसमें आपको पूरी इंडिकेशन ब्लिंक करने लगती है। जैसे ये प्रॉब्लम जैसे आपको दिख रहा होगा अभी, जैसे ही इसमें सप्लाई दी जा रही है तो ये पूरी की पूरी लाइनिंग जो इसकी पूरी इंडिकेशन होती है वो ब्लिंक करने लगती है। तो आखिरकार ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, या आपका ये जो मेंस की बॉल होती है ये आपका डायरेक्टली जलता रहता है बट आपकी चार्जिंग की जो इंडिकेशन होती है वो ब्लिप नहीं करती है, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी शुरू होता है कि आपकी एसी इनपुट नहीं होती है, आखिरकार ये भी प्रॉब्लम कहाँ से आता है। ये सब माइनर सी प्रॉब्लम होती है। दूसरा उसके बाद में एक और प्रॉब्लम आपको आता है कि जैसे आप इन्वर्टिंग को चार्ज में डालते हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका इन्वर्टर चार्जिंग लेता रहता है, लेकिन आपके इन्वर्टर स्विच को जैसे ही प्रेस करते हैं एक कटकट की जो आवाज़ आती है अंदर से ट्रैकर चेंज करने की, वो नहीं आ पाती है। तो आखिरकार ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है और इसको कैसे सॉल्व करना होता है, सारे विश्लेषण आपको इस वीडियो से मिले। तो बढ़ते हैं आगे और समझाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके इन्वर्टर में आती है तो उसको कैसे चेक की जाती है। सबसे खास होता है आपका चार्जिंग की प्रॉब्लम को समझना। चार्जिंग की हर एक वोल्ट को मापी जाती है, यानी कि जो आपका कंट्रोलर आईसी होता है उससे लेकर के जो आपका बेस का आईसी होता है उससे लेकर के आपका जो ट्रैकर का आईसी होता है उस पर कितनी वोल्ट होनी चाहिए, सारे के सारे विश्लेषण आपको इस वीडियो से हम बताने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैंने खास तरह की एक प्रॉब्लम को ये सॉल्व किया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम अगर आपके भी पास आती है तो उसको आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो, या आपके इन्वर्टर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे और समझाते हैं कि आखिरकार आपको हर एक स्टेप कैसे चेक करनी होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो फिर भाई, मैंने चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको लेना होगा कुछ इस तरह की लिथियम बैटरीज। अब आप बोलोगे कि ये इस तरह की छोटी लिथियम बैटरीज को क्यों लिए हो मेरे भाई। तो ये छोटी लिथियम बैटरीज लेने का मेरा पर्पस ये था कि आपको ये बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है और जल्दी चार्ज हो जाती है, क्योंकि ये हाई कट और लो कट को टेस्ट करने के लिए, चार्जिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपका हाई कट लो कट होता है, तो इसको चेक करने के लिए हमको यूजफुल होने वाली है इस तरह की 7 एम्पियर की बैटरी हमने लिए हुए है, 7.2 एम्पियर और 12 वोल्ट की बैटरी हमने लिया है, ताकि ये जल्द चार्ज हो जाती है और जल्द डिस्चार्ज जाती है। तो ये देखो, मैंने इसमें सप्लाई दिया और सप्लाई देने के बाद में आपकी जब स्विच ऐसे प्रेस करोगे, मेन स्विच आगे की स्विच, तो आपके एक इन्वर्टर से टक टक की आवाज़ आनी चाहिए। अगर वो टक टक की आवाज़ नहीं आ रही है तो हो सकता है आपकी चार्जिंग मोड काम नहीं करेगी। हालांकि हमारी इन्वर्टर में टक टक की आवाज़ें आ रही है, तो हम एक प्रोट को यहाँ पर माइनस कर लेंगे। माइनस की यही प्रोट होती है जो कि आपकी फ्यूज़ वाली जहाँ लगी रहती है, मेन फ्यूज़, वो आपका माइनस का प्रोट होता है। तो अब हम बताते हैं आपको कि चार्जिंग के लिए कहाँ से कौन सा कैसा चेकअप करना चाहिए। तो ये आपका होता है कंट्रोल आईसी, ये होता है आपका LM24 और ये होता है आपका 555। ये LM324 आईसी होती है जो कि आपकी ट्रैकर के लिए और चार्जिंग के लिए होती है, और ये जो होती है ये 555 आईसी, ये आपका स्विचिंग कराती है DT को कि हमको कितना वोल्ट आगे भेजना है, इसे मोस्फेट के पास, इस ट्रांजिस्टर के पास हमको कितना वोल्ट भेजना है, सारी कॉम्बिनेशन इसी में छिपी रहती है। तो अब हम समझेंगे चार्जिंग के लिए हमको कौन से वोल्ट को टेस्ट करने चाहिए। तो जैसे ही मान लो हमने इस चार्जिंग मोड को दिया, जैसे आप लोग देखोगे हम इसको दे रहे हैं अभी चार्जिंग मोड, जैसे आप चार्जिंग देते हो और ये इंडिकेशन आपकी मेंस की केवल आ रही है, आपकी चार्जिंग की ये वाली भुकभाएँ ब्लिप नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या क्या टेस्ट करना चाहिए। उस सिचुएशन में सबसे पहला आपको टेस्ट करना चाहिए इसका एसी इनपुट की, हमारी कहाँ पे कितनी वोल्ट होनी चाहिए। तो हमने इसको दे दिया है अभी इस इन्वर्टर को चार्जिंग, जैसे आपको दिखेगा हमने चार्जिंग इसको दे दिए है और ये हमारी इन्वर्टर अब चार्जिंग मोड में आ चुकी है। ये देखो, अब चार्जिंग मोड में हमारी इन्वर्टर आ चुकी है, ब्लिपिंग कर रही है। लेकिन इसमें आप देखो, अब आपको कहाँ क्या चेक करना चाहिए, आपको मीटर में अगर वो इंडिकेशन, ये ब्लिपिंग की इंडिकेशन अगर नहीं आती है तो उस सिचुएशन में अपने मीटर को लगाने होंगे माइनस प्रोट पे, आपको मीटर को लगाने होंगे एसी में हमने यहाँ पे डाल रखे हैं। दूसरा चीज़ ये करना है आपको कि ये वाली माइनस प्रोट को यहाँ पे आपकी आउटपुट की ये माइनस हो जाती है, यहाँ पे लगा लेनी होगी, यहाँ हमने हाथ को रखे हैं, और ये प्लस वाली जो होती है आपको यहाँ पे ट्रैकर के जो फर्स्ट नंबर लीड होती है इसमें आपको वोल्टेज चेक करना होगा। तो वोल्टेज आपको दिख रहा होगा 220 यहाँ पे आ रही है, यानी कि हमारी वोल्टेज अभी कम है, वोल्टेज हमने कम किया हुआ है इसलिए कम आ रही है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी हमारी 110 से भी ये काम करती है। तो ये देखोगे हमारी 110 वोल्ट
यहाँ पे आनी चाहिए। अगर यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रही है तो हो सकता है आपका ये ट्रिप स्विच ख़राब हो या आपका इसमें फ्यूज़ लगा हो पीछे और आपका फ्यूज़ काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक तो हमारी करंट आ गई, लेकिन अब देखो, अब दूसरा चीज़ इसमें भी एक और प्रॉब्लम होता है कि अगर उस सिचुएशन तक अगर आपकी सप्लाई आ रही है फिर भी आपकी इंडिकेशन ब्लिप नहीं कर रही है तो उस सिचुएशन में आपको ज़्यादातर ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं। तो कौन से ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको। हमारी इन्वर्टर अभी चार्जिंग मोड में है, बट इसको अब थोड़े से हम डायरेक्ट वायर से कनेक्ट करते हैं। तो हमारी कनेक्ट डायरेक्ट वायर से हमने कनेक्ट करने के बाद में हमारी इन्वर्टर चार्जिंग मोड में ही है। अब देखो आपको टेस्ट करना होगा ये वाला, जो अगर आपकी ब्लिपिंग नहीं आ रही है तो उस सिचुएशन में आपको ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे TCL 100 लगी रहती है, DT के जस्ट आगे लगी रहती है TCL 100, इसको चेंज कर देना चाहिए। चेंज कर देने से आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम जहाँ तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन नहीं, सबसे पहला वोल्ट चेक करनी होती है। तो आप लोग थोड़ा सा मीटर पे गौर करिएगा, उसके बाद में इस कंट्रोल IC के सबसे पहला हम आपको सजेस्ट करूँ कि आपको मीटर के साथ साथ ये कंट्रोल IC के 24 नंबर पिन, हम लोग यहाँ से इस तरह से करते आते हैं और इधर इधर से करते नीचे से आपको 3 नंबर पिन आपकी 26 नंबर पिन हो जाती है। यहाँ पे हमको चेक करना होगा लाइट आउटपुट आप दे दोगे, उसके बाद में यहाँ पे आपको चेक करना होगा आपकी बैटरी अगर कम चार्ज होगी तो यहाँ पे 2 वोल्ट आनी चाहिए। हमारी 2 वोल्ट नहीं आ रही है, यानी कि हमारी पूरी बैटरी चार्ज है। हमारी इनपुट में आप लोग देखोगे तो हमारी इनपुट में अभी 3.18 वोल्टेज बन रही है, यानी हमारी बैटरी फुल चार्ज है। अब आप लोग एक चीज़ और करोगे, यहाँ पे 2.5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। हमारी चार्जिंग पूरा ओपन है, मतलब क्लियर है, फुल चार्ज हो गई है, इसलिए हमारी करंट ड्रॉप कर गई है। अगर ये चार्जिंग मोड में रहती तो हमारा 2.5 वोल्ट होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ इसी यही वोल्ट आपको जाती है यहाँ पे 555 की जो फर्स्ट नंबर 4 नंबर लेग होती है यहाँ पे आती है, वही वोल्ट जो कि मैंने यहाँ पे 3 नंबर से बताया वही वोल्ट यहाँ पे आती है 2.1 वोल्ट। तो यहाँ पे वो वोल्ट 2.25 से नीचे रहना चाहिए। अभी हमारी बैटरी जैसे जैसे फुल होती जाएगी ये हमारी करंट कम होती जाएगी। उसके बाद में ये वाली डायरेक्टली करंट लेके आती है हमारी इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, यानी कि बीच वाला पे। तो बीच वाला पे आपको टेस्ट करोगे तो हमारी यहाँ पे पल्स वोल्ट होनी चाहिए, यानी कि हमारी रेजिस्टेंस नंबर 44 पे ये वोल्ट आती है जो कि मैंने 4 नंबर ट्रिक के बताया। ये रेजिस्टेंस नंबर 44 पे यहाँ पे वोल्ट बन रही है, वही वाली वोल्ट आपकी इसके आउटपुट में बनेगी। जो यहाँ पे वोल्ट बननी चाहिए वही हमारी वोल्ट यहाँ भी बनेगी, लेकिन रेजिस्टेंस के कारण हमारी वोल्टेज कम हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 44 नंबर की आउटपुट पिन होती है डायरेक्ट मतलब करंट कनेक्ट होती है आपकी बेस से, तो ये आपका कभी भी 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि पल्स 20 आपका वोल्ट नहीं, पल्स में 20 आपको 10 हो रहा है 9 हो रहा है, ये अभी आपकी वोल्टेज सही है। अब आपको यहाँ पे बेस चेक करोगे, इसका कलेक्टर चेक करोगे तो जितना आपकी बैटरी चार्ज रहेगी उतना आपका मतलब इसका रीडिंग देगा, लेकिन जब आपकी चार्जिंग मोड चेक करोगे तो यहाँ पे अगर 12 वोल्ट बन रही है तो फिर आपकी ये ट्रांजिस्टर चेंज करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा चीज़ ये कि जैसे मैंने बताया आपको कि ये मतलब इंडिकेशन पूरी इंडिकेशन जलने लग रही है इस टाइप की, जैसे ही आप चार्जिंग मोड देते हो तो पूरी इंडिकेशन जल लग रही है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको कंट्रोल IC चेंज करें। कंट्रोल IC से भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं जाती है तो उसके बाद में आपको डायरेक्टली ये ट्रांजिस्टर जो BT 39 या 40 लगी रहती है इसको चेंज करें। इससे भी प्रॉब्लम नहीं जाती है तो LM 324 नंबर की IC लगी रहती है इसको चेंज कर दें। इसको चेंज करने से आपकी उस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरा चीज़ ये कि अगर आपकी ट्रैकर चेंज नहीं करती है तो यहाँ पे देखोगे TCL 100 की ये वाली ट्रांजिस्टर होती है, इसको चेंज कर दें, आपकी ट्रैकर काम करने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट होनी चाहिए जो ट्रैकिंग काम कराने के लिए होती है। दूसरा चीज़ ये मैं बताऊं कि अगर आपकी फ़ैन नहीं चलेगी तो आपकी ट्रांसफार्मर हीट होगी और आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम आ सकती है या आपका MOSFET भी जल सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, इन्वर्टर में अगर कोई सी फॉल्ट होती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो जान चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।